देखिए, ये टेंडर घोटाला जो भी हो, घोटाला है कि नहीं है, इसके बारे में हम काल्पनिक बात ना करके हम यही चाहेंगे कि इसकी पूरी जांच करे ये सरकार, और जो भी अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक लोग या फिर जो ठेकेदार हैं, जो भी इसमें दोषी पाए गए या पाए जाते हैं, जो भी जांच के दौरान या जांच के बाद में जो भी जांच रिपोर्ट आएगी, उनके लिए वह प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करे, जेल भेजने का काम करे, और जो कुछ भी दंड इसमें होते हों प्रावधान में वो दंड देने का काम करे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि इनकम टैक्स की रेड की प्रतिक्रिया में ये, जैसा कि सभी लोगों को आभासित था कि ये सब होगा, तो प्रतिक्रिया में यदि ये सब ई टेंडरिंग की जांच ये वो सब होता है तो मैं फिर से फेयर नहीं मानूंगा, फिर मैं इसे बदले की कार्रवाई मानूंगा, और इस प्रकार की कार्रवाइयाँ ठीक नहीं। लंबे समय से जिन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई, मैं किसी पार्टी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लंबे समय से वो आदमी इस काम में इन्वॉल्व था। हमें क्यों किसी दलाल को बचाना, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हम किसी दलाल को बचाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, दलाल को बचाने के लिए हम सरकार नहीं चला रहे, दलाल को बचाने के लिए भारत में चुनाव भी नहीं हो रहे। और इस कारण से यदि वो करता है किसी भी पार्टी का हो, हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी 5 रुपये का भी मेंबर नहीं है वह व्यक्ति बीजेपी का, उसने स्वयं कहा है मेरी विचारधारा जरूर है। तो जब दलाल है, लंबे समय से सब कुछ काम कर रहा था, आपकी सरकार 15 साल तक रही, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई होना थी, और मुझे जहाँ तक जानकारी है एक प्रकरण में मैंने उससे जुड़े एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, और मैंने उसको निलंबित करने का और उसके विरुद्ध अभियोजित करने का, उसको कार्रवाई करने का मैंने आदेश दिया था। अब आदेश कहाँ है फिलहाल, वर्तमान सरकार जाने इसके लिए देखो। उस समय क्या हुआ? नहीं, मैंने तो उसके विरुद्ध डी करने का, उसके बाद निलंबित करने का, सारे आदेश फाइल पे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग जो सत्ता के दलाल हैं, परिवार पार्टी किसी की भी आए लेकिन जाके सीधे उनके साथ में चिपक जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के से हम बचना भी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से दूर रह के हमें उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।